यस हेलो हाय, आवाज आ रहा है? चेक करो, फिर शुरू करते हैं आज का जो लेसन है, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इट्स गोइंग टू बी हाफ आवर सेशन, सिर्फ आधे घंटे का ही होगा, एंड वी आर गोइंग टू कवर मच ऑफ द सपोज लेट्स से जितना हमारे इसमें सिलेबस है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हाँ, तो उसके रिएक्शंस के टाइप्स देखेंगे हम लोग, एंड विल सी सम मोर डिटेल्स, राइट? ओके, खाली इतना बता दो, आवाज आ रहा है क्या? अगर आवाज आ रहा है तो देन वी कैन बिगिन, इफ आई एम ऑडिबल इनफ। चेक करो। ओके, कैन वी स्टार्ट? ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम। शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, लेट मी जस्ट स्टार्ट। लेट अस बिगिन, 1 मिनट। ओके, चलो शुरू करें फिर सेशन आज का। ओके, सो वेलकम ऑल, टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। शुरू करते हैं, और लास्ट में एक छोटा सा क्विज भी रखेंगे, ठीक है? लास्ट में एक छोटा सा क्विज भी होगा, फाइन? सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। द टॉपिक वी आर गोइंग टू डील विद इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम जो है दैट इज अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आउट ऑफ विच हम लोग अभी आज जो देखने वाले, दैट इज द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इसके अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। ओके, सो माय नेम इज अजिंक्य, एंड जो टेलीग्राम का लिंक है इट इज ऑलरेडी देयर ऑन योर स्क्रीन, दैट इज www.t.me एंड अजिंक्य सीबीएसई, ठीक है? अजिंक्य स्लैश अजिंक्य सीबीएसई, आपको दिस इज अ टेलीग्राम लिंक, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां पे कैसा होता है, आपको जो लिंक्स है या फिर अपना जो टाइम टेबल है डेली स्केड्यूल वो आपको मिल जाता है। सो माय नेम इज अजिंक्य सोलुंके एंड आई एम एन एजुकेटर, सब लेट्स से फॉर टुडे तुम्हारे टॉपिक के लिए। तो शुरू करते हैं, लेट अस गो फॉर इट, ठीक है? लेट्स क्रैक इट, चलो। सो लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन एंड लेट्स क्रैक इट, लेट्स स्टार्ट। सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट एक यू नो अ मेजर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब ऐसा होता है दैट केमिकल चेंज इज नथिंग बट कि कोई केमिकल रिएक्शन हो। और एक चीज, हम लोग इस सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे और एट दी एंड एक क्विज भी रहेगा मेंटी का, तो एक शॉर्ट क्विज ऑन दिस टॉपिक, फाइन? तो थोड़ा ध्यान से सुनना और उसके हिसाब से हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक नया प्रोडक्ट बनता है, राइट? अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज बेसिकली द लॉजिक कि एक नया प्रोडक्ट बनता है केमिकल चेंज, जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब उसके अंदर चार टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द सेकंड इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड द लास्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इन ऑल हमारे पास कितने हैं? टोटल 4 केमिकल रिएक्शंस हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, करेक्ट? ओके, सो कैन वी गो फॉर इट, उसके लिए जा सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। आज का पहला रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नॉट दैट मच लेट्स से डिफिकल्ट, सबसे आसान रिएक्शन यही है। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है, पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसका फॉर्मेट और फिर उसके ऊपर के एग्जांपल्स। ओके, so a chemical reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called as combination reaction. तो कितने reactants होते हैं आपके पास? देखो, left hand side वाले कौन होते हैं? left hand side वाले reactants होते हैं, और जो ये जो होते हैं right hand side वाले, those are products, ठीक है? those are products. so basically the logic is something like this कि तुम्हारा left side पे reactants हैं these ones, तो वो कितने reactants हो सकते हैं combination में? इट कैन बी टू और मोर, दो या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट कितने रहते हैं? एक ही रहता है। तो रिएक्टेंट्स, एक बार लॉजिक देख लेते हैं। रिएक्टेंट्स, हाउ मेनी रिएक्टेंट्स? मोर देन टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, राइट? और प्रोडक्ट कितने होते हैं? प्रोडक्ट एक ही होता है, इक्वल टू वन, राइट? रिएक्टेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टू एंड प्रोडक्ट एक ही होता है, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। नाउ जनरल फॉर्मेट क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है कि व्हेन ए कंबाइंस विद बी, व्हेन ए कंबाइंस विद बी यू गेट अ सी। सो दैट मींस हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं,
दो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर, और प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, ओनली वन प्रोडक्ट, हेंस इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कंबाइन हो जाना, बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नथिंग बट टू कंबाइन, राइट, हो गया। सो दैट मीन्स टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू क्रिएट अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट्स इट। ओके, अब इसके एग्जांपल्स क्या है, सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है क्विक लाइम, राइट, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन इट कंबाइंस विद वाटर, ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन होता है वाटर के साथ, तो वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच वी ऑल्सो कॉल स्लैक लाइम, ठीक है, स्लैक लाइम, उसको स्लैक लाइम भी बोलते हैं। तो बेसिकली यू टेक क्विक लाइम, उसके अंदर पानी डालो, पानी डालने के बाद आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड बेसिकली दैट इज स्लैक लाइम, व्हाट यू गेट इज कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब एक चीज तुमको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कितने रिएक्टेंट्स थे, दो रिएक्टेंट्स थे, राइट, टू रिएक्टेंट्स, एंड हाउ मेनी प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट बने, ओनली वन प्रोडक्ट। हालांकि यहां पर हीट बनी है, बट दैट इज जस्ट एनर्जी, दैट कैनॉट बी टर्म्ड एज प्रोडक्ट, दैट इज जस्ट एनर्जी, हीट पैदा होती है इस रिएक्शन के वक्त, तो बेसिकली दैट इज एनर्जी, नॉट अ प्रोडक्ट, सो उसको गिन नहीं सकते हम लोग, तो वी हैव टू एक्सक्लूड इट, उसको छोड़ दो। लेकिन कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट आउट ऑफ टू रिएक्टेंट्स। सो ये है वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज वन ऑफ द बेसिक रिएक्शंस। ओके, अभी जो नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है, दैट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और जो एग्जांपल्स हैं, सबसे पहला उसमें आ जाता है दैट इज कार्बन, राइट। कार्बन को जब हम लोग जलाते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या हो जाता है कि आपका कार्बन किसके साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कहाँ का, एयर का। तो हम लोग कार्बन कोल को जब जलाते, बेसिकली कोल इज नथिंग बट उसके अंदर कार्बन होता है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन। तो उसको जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है, CO2 बनाता है, व्हाट वी गेट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। तो ये वाली रिएक्शन तुम देख सकते हो, अगेन अ सिंपल टर्म, यहाँ पे कितने रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स, एक प्रोडक्ट, अगेन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, देख लो, H2 प्लस O2 हमारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, अगर हम लोग इसको कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, H2, दैट इज वाटर, राइट। अगेन द सेम लॉजिक, टू रिएक्टेंट्स वन प्रोडक्ट, टू रिएक्टेंट्स वन प्रोडक्ट, दो से ज्यादा हो सकते हैं, खाली हमको एक प्रोडक्ट चाहिए, अगर एक प्रोडक्ट मिलता है तो कंपल्सरी इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वेरी सिंपल। ओके, नाउ मूविंग ऑन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, नाउ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज एक्चुअली वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसका लॉजिक देख लेते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज नथिंग बट अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये जनरली ना थोड़ा सा उल्टा है कॉम्बिनेशन की, ठीक है, दिस इज अपोजिट टू हूम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में कैसा होता है, मल्टीपल से सिंगल बनता है, इसमें सिंगल से मल्टीपल बनता है, ठीक है, एक लॉजिक देख लो, कॉम्बिनेशन में कैसा रहता है, मल्टीपल टू सिंगल, मल्टीपल रिएक्टेंट्स टू सिंगल, ऐसा रहता है सिंगल प्रोडक्ट। इसमें उल्टा होता है, डीकंपोजिशन में उल्टा होता है, क्या होता है, सिंगल से मल्टीपल बनता है, सिंगल से मल्टीपल बनता है, सिंगल टू मल्टीपल, ठीक है, दैट इज व्हाट वी गेट। ओके, सो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, लेकिन रिएक्टेंट एक ही होगा, ठीक है, ऊपर से। और एक चीज, अब इसका जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं, जनरल फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि वन रिएक्टेंट इज गोइंग टू कीप गिव यू टू और मोर प्रोडक्ट्स, टू और मोर प्रोडक्ट्स, राइट। ओके, और एक चीज, ऐसा करने के लिए तुमको जो रिएक्टेंट है उसको डिवाइड करना पड़ता है, ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, और ब्रेक करने के लिए तुम्हारे को क्या चाहिए, दोज व्हाट यू आर ब्रेकिंग, डिवाइडिंग या फिर ब्रेक क्या कर रहे हो, बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स को तुम ब्रेक कर रहे हो, करेक्ट। ओके, सो व्हाट बेसिकली यू आर डूइंग इज यू आर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, तो बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी रिक्वायर टू ब्रेक द बॉन्ड्स इज एनर्जी। मतलब टेक्निकली तुम कौन सा भी एनर्जी इसको यूज कर सकते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ एनर्जीज एज यू नो, सो तुम उसमें से कोई भी एनर्जी यूज कर सकते हो, एंड मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ तुम्हारे पास रिएक्टेंट है और उसके हिसाब से
यू कैन डिवाइड अ पर्टिकुलर कंपाउंड. तो कौन से टाइप के ये हो सकते हैं एनर्जीज. द फर्स्ट एनर्जी यू कैन गो फॉर इज ऑब्वियसली हीट, हीट एनर्जी के लिए जा सकते हो. दूसरा एनर्जी यू कैन गो फॉर इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. और दूसरा तीसरा कौन से किसके लिए जा सकते हो, लाइट, लाइट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, सो बेसिकली यू कैन गो फॉर हीट, यू कैन गो फॉर इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन गो फॉर लाइट. तो उसके सिवा ये रिएक्शंस काम नहीं करती, ठीक है, ये ध्यान में रखो. एनर्जी लगती लगती है, दैट इज द मेन थिंग. लेट अस गो फॉर द एग्जाम्पल. अब सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं इस पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन में वो है हीट का. हीट का एग्जाम्पल ले रहे हैं. अब हीट केस में हम लोग फेरस सल्फेट को रिएक्टेंट बोल के ले रहे हैं. सो दिस इज आवर वन रिएक्टेंट. फेरस सल्फेट किस किस चीज में डिवाइड होता है देख लो. फर्स्ट इट डिवाइड इंटू फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है. द फर्स्ट प्रोडक्ट Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड. और क्या छोड़ता है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड भी छोड़ता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी छोड़ता है. तो यू कैन सी एक रिएक्टेंट से हमको कितने प्रोडक्ट्स मिल गए, तीन प्रोडक्ट्स मिल गए. दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो कितने प्रोडक्ट्स हो गए, थ्री प्रोडक्ट्स. कितने भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा किस प्रकार का रिएक्टेंट है. तो Fe2O4 इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू Fe2O3, SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड. तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है फॉर डिकम्पोजिशन. और भी दिए हुए हैं अपने बुक में, वो भी देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट गेट्स डिवाइडेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कौन सा, CO2. अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हो तो हीट करने के बाद क्या मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हीट के लिए एक तो तुम हीट लिख दो या फिर इवन यू कैन यूज दिस सिंबल, ठीक है. हीट के लिए ऐसा सिंबल भी यूज किया जा सकता है. तो टेक्निकली यू कैन गो फॉर ये जो हीट जो तुमने रिएक्शन लिखी है वहां पर तुम एक ट्राइंगल निकाल सकते हो, ठीक है. दैट ट्राइंगल समथिंग इज नथिंग बट तुम्हारा हीट को दर्शाता है. तो इधर यू राइट डाउन हीट या फिर तुम उसका ट्राइंगल का शेप बता दो. लेट अस गो फॉर लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट किसमें डिवाइड हो जाता है, इट डिवाइड्स इनटू लेड ऑक्साइड देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2, ठीक है, जो ये ब्राउनिश गैस बनाता है, राइट, रेड ब्राउन गैस बनाता है. रेड ब्राउन गैस हमने ये लाइव प्रैक्टिकल में देखा हुआ है. सो रेड ब्राउन गैस बना देता है, करेक्ट. ओके, सो बेसिकली लेड नाइट्रेट व्हेन यू हीट इट अप इट गिव्स लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड लास्ट वन इज O2, इन विच यू गेट अ रेड ब्राउन गैस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल यू नो जो आपने बुक में दिया हुआ. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द इलेक्ट्रोलिसिस. आई टोल्ड यू डिकम्पोजिशन के लिए आप हीट के जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जब आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं तो दैट कैन इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो उसको डिवाइड कर रहे हैं. नाउ लेट अस गो फॉर वाटर. तो ये वाटर है हमारा और ध्यान से सुनना, लास्ट में हमारा क्विज भी है, ठीक है, लास्ट में क्विज भी है. चैनल को लाइक करो, ठीक है. हाँ, तो वीडियो को ये लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना. लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है. तो प्लीज डू दैट एंड इफ यू गेट टाइम सो ऑल्सो कमेंट नीचे, वीडियो के नीचे बाद में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर इवन राइट नाउ यू कैन गो फॉर इट. तो H2O इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें से पास करता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. किसमें डिवाइड हो जाता है, एक तो H2 और दूसरा किसमें डिवाइड हो जाता है, O2 के अंदर. मतलब दो गैसेस बनती है. तो बेसिकली वन रिएक्टेंट एंड उसकी वजह से कितने प्रोडक्ट मिल गए, दो प्रोडक्ट मिल गए, करेक्ट. एक रिएक्टेंट से हमको कितने प्रोडक्ट्स मिल गए, दो प्रोडक्ट मिल गए, H2 मिल गया, O2 मिल गया. और कौन सी एनर्जी यूज की तुमने, इलेक्ट्रिसिटी. सो द एनर्जी यूज्ड इज इलेक्ट्रिसिटी हियर, सो इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन के लिए जाते हैं. अभी हम लोग तीसरा एनर्जी यूज कर रहे हैं फॉर डिकम्पोजिशन एंड दैट इज लाइट. लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं. लाइट केस में क्या कर सकते हो, तुम AgCl को बाहर रख सकते हो. नाउ व्हाट इज AgCl, AgCl is silver chloride. तो इसका जो ओरिजिनल कलर होता है, ठीक है, ओरिजिनल कलर जो होता है, हाँ, तो दैट इज बेसिकली यस, AgCl इट कन्वर्ट्स टू बेसिकली सिल्वर और क्लोरीन, ठीक है. हाँ, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag और सिल्वर में, क्लोरीन गैस में. तो बेसिकली व्हाट यू गेट इज सिल्वर एंड अ कलर चेंज इज ऑब्जर्व, कलर चेंज इज ऑब्जर्व ऑब्वियसली. सो इट कन्वर्ट्स टू सिल्वर एंड दूसरा कौन सा, क्लोरीन, मतलब Cl2, मतलब कौन सा गैस, क्लोरीन गैस. ओके, सेम गोज फॉर AgBr आल्सो. व्हाट इज AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर कौन सा है, ब्रोमाइड. इसके अंदर भी कलर चेंज आपको मिलेगा, पहले इसके अंदर भी कलर चेंज मिलेगा एंड दूसरे इसमें भी कलर चेंज मिलेगा. यू विल गेट कलर चेंज इन दिस आल्सो एंड यू विल ऑब्जर्व कलर चेंज इन दिस आल्सो.
राइट ओके, इसके अंदर भी कलर चेंज आपको मिलेगा। सिल्वर ब्रोमाइड सेम डिवीजन है ऊपर के क्लोरीन के जैसा ही, व्हाट यू गेट इज सिल्वर एंड दूसरा क्या मिल जाता है आपको, ब्रोमीन गैस मिल जाता है। तो दीज आर द टू एग्जांपल्स। द एनर्जी यूज्ड इन दिस केस इज सनलाइट। एनर्जी कौन सा यूज किया, लाइट यूज किया, बट बेसिकली विच लाइट, सनलाइट। ठीक है, वन फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। ओके सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, इसके अंदर भी आपको कलर चेंज मिल जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमारे अब डिस्प्लेसमेंट पे जाते हैं। ये तो हमारे तीन हो गए, कौन से वो डिकम्पोजिशन के, एक तो हीट वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला, सनलाइट वाला। नाउ वी आर टू गो गोइंग टू गो फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी एक को मूव करते हैं इसमें से, अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इन अ कंपाउंड। एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से उसको हिलाता है, उसको वहां से रिमूव कर देता है, रिप्लेस कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो देख लेते हैं एग्जांपल इसका। ओके तो जनरल फॉर्मेट इज समथिंग लाइक दिस, जनरल फॉर्मेट कुछ ऐसा है, ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। हाँ तो ये ध्यान में रखना है, ए प्लस बी सी गिव्स यू व्हाट, ए सी प्लस बी। अब ये क्यों होता है, व्हाट हैपेंस, ऐसा क्यों होता है, तो रीजन ये होता है, देखो ये कंपाउंड है, दिस इज दी कंपाउंड, ये कंपाउंड ठीक है, और ये कौन है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। प्रॉब्लम क्या है, अगर ये डिस्प्लेस कब कर पाता है, अगर बी वहां पे लेस रिएक्टिव हो, बी इज लेस रिएक्टिव, और जो ए है तुम्हारा वो काफी ज्यादा रिएक्टिव। इफ योर ए इज मोर रिएक्टिव देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रिप्लेस, वो रिप्लेस कर देगा, जो भी सपोज बी का कम था तो बी को उड़ा देगा, राइट। और ए किसकी जगह पे जाके बैठेगा, बी की जगह पे, तो ए विल गो टू बी प्लेस, सो दैट मींस ए सी, एंड व्हाट विल गेट इज बी। तो आपको ए सी नाम का कंपाउंड मिल जाएगा, ए सी नाम का कंपाउंड मिल जाता है, और बी नाम का क्या मिल जाता है, एलिमेंट मिल जाता है। ओके ये वाला। लेकिन और एक चीज इसमें मजेदार बात ये है जो तुमको ध्यान में रखनी है, कि फॉर दिस रिएक्शन टू वर्क जनरली तुम्हारा सोल्यूशन ये कैसा चाहिए, ये जो रिएक्शन है इट इज प्रेफर्ड कि ये किसमें हो, सोल्यूशन में, सॉल्ट सोल्यूशन में हो, मतलब बीसी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्ट, एक एक्वियस सोल्यूशन के फॉर्म में हो, एक्वियस सोल्यूशन, तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, हवे के अंदर नहीं होगा, इट नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ एक्वियस सोल्यूशन, प्रेफरेबली अ सॉल्ट सोल्यूशन, प्रेफरेबली अ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ दैट कंपाउंड, तब जाके आपका वो डिस्प्लेसमेंट इजिली हो जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट विच इज देयर। ठीक है ओके ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, एक्वियस सॉल्यूशन जहां पे सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो बेसिकली सॉल्ट सॉल्यूशन होने के बाद ही डिस्प्लेस करने का चांस आता है, तो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेम्बर। फाइन ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देख रहे हैं। अब इसके अंदर देख लो FeCuSO4, और रिएक्शन के बाद क्या मिल रहा है हमको, FeSO4 एंड Cu, चेक कर लो। यहां पर कैसा है, दिस इज वन ऑफ दी एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है। अब यहां पर जो नेक्स्ट वाला कंपाउंड है देख लो, CuSO4, उसके अंदर ना दो डिविजन है, उसके अंदर दो डिविजन है, कौन सा एक CuSO4। प्रॉब्लम क्या है कि जो तुम्हारा Fe है आयन, इट इज वेरी मच रिएक्टिव दैन कॉपर, आयन कॉपर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव, तो आयन क्या करता है, Cu को वहां से हटा देता है, वो Cu को वहां से क्या कर देता है, हटा देता है। और कौन कहां पर जाता है फिर, Who goes where? तो तुम्हारा जो Fe है वो किसके जगह पे जाएगा, Cu की जगह पे जाएगा, Cu की जगह पे जाता है, और Cu निकल जाता है बाहर, Cu बाहर निकल जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज द रिएक्शन, FeSO4 मिल जाता है, दूसरा क्या मिल जाता है, Cu मिल जाता है। सो व्हाट वी गेट इज कॉपर बाहर निकल जाता है और तुम्हारा जो आयन है वो कॉपर की जगह ले लेता है, तो बेसिकली वी गेट एलिमेंट, एलिमेंट बाहर निकलता है। ओके नाउ लेट अस मूव अहेड। वैसे ही हमारे कुछ रिएक्शन बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि ZnCu और PbCuCl2। अब तुम इस रिएक्शन पे से इजीली बता सकते हो कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या मैं इसमें मुझे एक चीज बोलो, Zn और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, अगर तुम्हारे सामने ये रिएक्शन है तो व्हाट काइंड ऑफ साइन शुड आई पुट देयर, शुड आई पुट अ ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन, यहां पर Zn और Cu के बीच में, जल्दी बता दो Zn और Cu के बीच में, कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम लोग कौन सा साइन डाल सकते हैं, जल्दी बता दो क्योंकि कुछ भी शुरू करना है। ओके ऑब्वियसली द आंसर शुड बी
Zn इज ऑब्वियसली रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से रिएक्टिव है, और यहां पर लेड कॉपर से रिएक्टिव है, राइट? हाँ, आवी करेक्ट, यस, खुशी करेक्ट, श्वेत करेक्ट, सही है, कशिश करेक्ट, ओम करेक्ट, यस, रुचा करेक्ट, हाँ सही है। तो द काइंड ऑफ आंसर्स वी आर गेटिंग इज कि ये रिएक्टिव है, कौन? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, फाइन, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। नाउ लेट अस गो फॉर आवर फाइनल रिएक्शन, फिर बाद में हमको क्विज शुरू करना है, ठीक है? ओके, सो आवर फाइनल रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। जो पहले देखा था वो भी डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन वो कैसा था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। ये इसमें कैसा हो जाता है? इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रहता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरल फॉर्मेट देख लो, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी एंड सी बी। अब वो कैसे? देखो, ए किसके साथ कंबाइन हो जाता है? ए कंबाइन्स विद डी, ए कंबाइन्स विद डी, और बी किसके साथ कंबाइन हो जाता है? सी के साथ। बी किसके साथ कंबाइन हो जाता है? सी के साथ। ये बी किसके साथ कंबाइन होगा? सी के साथ कंबाइन। सो हमको क्या मिल जाता है? सी बी मिल जाता है और ए डी मिल जाता है। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे हो पाता है, लाइक हाउ दिस हैपेंस। तो देखो, मैं रिएक्शन थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं, ए बी और दूसरा क्या है? सी डी। देखो, ये रिएक्शन का अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा होता है पहले वो देख लो। हम पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, राइट? दैट मींस ये जो ए है वो पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, सी पॉजिटिव होगा, डी नेगेटिव होगा, राइट? अभी जब पानी के अंदर इसको डालते हैं, जनरली इसका एक्वियस सॉल्यूशन तुमको लेना पड़ता है, जब पानी के अंदर डालते हैं ना इसको, तो क्या हो जाता है? ए किसके साथ कंबाइन होगा? ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ए विल कंबाइन विद समथिंग नेगेटिव, और वो समथिंग नेगेटिव कौन है? डी। समझ में आ रहा है? और दूसरा कौन सा रहेगा? द सेकंड वन इज कि तुम्हारा जो सी पॉजिटिव है वो किसके साथ कंबाइन होगा? समथिंग नेगेटिव, दैट इज बी, समथिंग लाइक बी। चलो, इसका मैं ये बता देता हूं, सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव कौन है? कर ओके, तो पॉजिटिव कौन रहेगा? ए इज पॉजिटिव, डी इज नेगेटिव, सी इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव। तो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव आयन चेंज। सो दैट मींस अगर ये कराना ही है तो तुमको किस तरह का ये चाहिए? सॉल्यूशन शुड बी, ये सॉल्यूशन फॉर्मेट में चाहिए, मतलब बेसिकली दिस शुड बी एक्वियस, एक्वियस सॉल्यूशन चाहिए, करेक्ट? दैट मींस सॉल्ट सॉल्यूशन बेसिकली। तो आपको फिर ये जल्दी मिल जाएगा, राइट? जल्दी मिल जाएगा, दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। ओके, सो बेसिकली ए विल कंबाइन विद डी एंड सी विल कंबाइन विद बी, सो दैट इज योर जनरल फॉर्मेट। अब इसका ये देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लो। अब एग्जाम्पल काफी सिंपल है, देखो Na2SO4 BaCl2। अब Na प्लस है, SO4 माइनस है, Ba पॉजिटिव है, Cl2 माइनस है। अब कौन किसके साथ कंबाइन होगा? पॉजिटिव नेगेटिव के साथ होगा। ये Na किसके साथ कंबाइन होगा? Cl2 के साथ, राइट? और ये Ba प्लस किसके साथ कंबाइन होगा? नेगेटिव के साथ। देखो BaSO4 मिल गया, BaSO4 और NaCl2, NaCl, देखो मिल जाता है, इतना आसान है। मतलब इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नथिंग, राइट? और सभी एक्वियस फॉर्म में तुम देख सकते हो, एक्वियस फॉर्म में है, ये लास्ट वाला भी एक्वियस फॉर्म में है। ये हमको प्रेसिपिटेट मिल रहा है यहाँ पर, ये हमको यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल रहा है, दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको जो मिलता है, ठीक है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमको मिल जाता है, किसका? बेरियम सल्फेट का, क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो पानी में घुल जाएगा, ये तो हमारा नॉर्मल सॉल्ट है, राइट? वो पानी के अंदर घुल जाएगा, बाकी फिर ये व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट, राइट? ओके, तो क्या हम लोग अभी मेंटी क्विज पे जा सकते हैं? क्या हम लोग अभी मेंटी क्विज पे जा सकते हैं? इफ इट इज फाइन विद यू, बोलो, इफ इट इज फाइन विद यू वी कैन गो फॉर द मेंटी क्विज, राइट? ओके, चलो, तो मेंटी क्विज में बता देता हूं, ठीक है? मेंटी क्विज शुरू करते हैं, तो ऑल द बेस्ट। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इट इज जस्ट फॉर सपोज अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कि तुमको समझ में आया कि नहीं पूरा, उसके लिए, बाकी कुछ नहीं। मतलब ये ऐसा बहुत ही बड़ा क्विज नहीं है, इट इज जस्ट अ शॉर्ट क्विज, 5 क्वेश्चन सिर्फ, 5 क्वेश्चन ओनली। इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि तुमको जो सिखाया अभी उसमें से समझ में आया कि नहीं, ओनली इट इज फॉर दैट पर्पस, फाइन? ओके, सो लेट मी शो यू द कोड और शुरू करते हैं। देखो, कोड तुम्हारे सामने, जल्दी से ज्वाइन कर लो, 5767111 में, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो।
सो डू इट फास्ट, डू इट फास्ट. इट्स अ वेरी शॉर्ट क्विज, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन. बड़ा नहीं है, छोटा है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि भाई तुमको समझ में आया कि नहीं आया. द कोड इज 5767119, आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, वेरी वेरी फास्ट, सो दैट हम लोग शुरू कर सके हमारा क्विज आज का. जल्दी जल्दी जल्दी, इट्स अ शॉर्ट बेस्ड क्विज, बहुत ही शॉर्ट क्विज होगा. चलो 5767119, लेट अस स्टार्ट. ओके, फास्ट फास्ट एंड फास्ट, जल्दी ज्वाइन हो जाओ. चलो शुरू कर रहे हैं. 5767119. Identify the type of chemical reaction. When coal is burned, it combines with oxygen to find to form carbon dioxide. क्या लगता है? जब chemical reaction होती है, any type of chemical reaction, तो जब coal burn किया जाता है, वो oxygen के साथ combine होता है और carbon dioxide बनाता है. Question ये है कि what kind of reaction is this? Is it a combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction या फिर double displacement reaction? आपको खाली इतना ही बताना है कि चारों में से व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस, जहां पे आपका कोल बर्न करने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्प, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, काफी आसान है. यस, ऑब्वियसली द आंसर इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है विदाउट अ डाउट. चलो स्कोर्स देख लेते हैं. ओके, सो सौम्या, देन श्रेया, थिंकी, देन साक्षी, श्रुति, अंकन, अश्विन, वेंचुर, आवी एंड सेंटीपीड, कॉन्ग्रेचुलेशंस. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू पे है. हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी मतलब ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है, बिंदास आंसर दे सकते हो. कितने रिएक्टेंट्स होते हैं डीकम्पोजिशन के अंदर, मतलब वो तो इतना सिंपल है कि क्या बोले, जल्दी जल्दी आंसर दे दो. मतलब कैसा रहता है कि इट हैज समथिंग टू डू विद ईदर सिंगल टू मल्टीपल या फिर मल्टीपल टू सिंगल. मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको खाली इतना बताना है कि रिएक्टेंट्स कितने होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, जल्दी से बता दो, इज इट वन, इज इट टू, इज इट थ्री, इज इट एनी नंबर, कितने भी हो सकते हैं, क्या लगता है? ओके कशिश, तुम थिंक यू हो क्या? ठीक है, गॉट इट कशिश, थैंक यू, गॉट इट. ओके, सो द आंसर इज ऑब्वियसली वन, द आंसर इज ऑब्वियसली वन, करेक्ट. सो एक ही रहता है, एक ही रहता है. चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है. बाद में कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है? ओके, सो सौम्या, श्रेया, कशिश, साक्षी, श्रुति, अंकन, आवि, पंकज, यश एंड अंश, कॉन्ग्रेचुलेशन. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री पे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बताना है. फास्ट एंड फास्ट एंड फास्ट, फाइन. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, आपको आइडेंटिफाई करना है सिर्फ ये रिएक्शन को. इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर और इसको खाली आपको जज करना है कि किस प्रकार का रिएक्शन है. इज इट कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट. बहुत ही आसान है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि किस प्रकार की रिएक्शन है. ओके, बहुत मतलब इट्स सुपर डुपर सिंपल. अगर आपको टॉपिक ठीक से समझ में आया है तो द आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी, बहुत ही जल्दी आ जाएगा. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ने तो ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं, गुड वन. ओके, अ वेरी सिंपल वन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या आएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट. ऑब्वियसली द आंसर इज डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही होगा. डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों कंपाउंड्स हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक एलिमेंट चाहिए, ऑब्वियसली इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो सौम्या, श्रेया, अंकन, आवि, श्रुति, साक्षी, पंकज, अंश, शिवांगी एंड सक्षम, कॉन्ग्रेचुलेशन. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर फोर. सो आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन दी है आपके सामने, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये इसमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन है, ये किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन है. इज इट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बहुत ही आसान है, मतलब इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है. अ वेरी सिंपल वन, H2 plus O2 gives H2.
बहुत ही आसान है जस्ट। और हमारा जो एक 12 बजे वाला जो क्विज है वो भी इसी तरह से होगा, ठीक है। 12 बजे वाला जो टॉपिक है, 12 बजे हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे एक टॉपिक है, शॉर्ट में टॉपिक समझाया जाएगा और उसके ऊपर ही क्विज होगा लगेज, ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का टॉपिक मैं समझाऊंगा, आधे घंटे का ही होगा, और उसी के अंदर हम लोग क्विज भी ले लेंगे एट द एंड। 12 बजे ही है अभी, उसका लिंक वगैरह ऑलरेडी मैंने ग्रुप के अंदर डाला हुआ है। ओके, तो किस प्रकार का रिएक्शन है ये? H2+O2 कॉम्बिनेशन, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो कॉम्बिनेशन, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है कॉम्बिनेशन। ओके, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट आपको जो अपडेट्स हैं वो मिल सके। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ओके, तो सौम्या, श्रेया, अंकन, श्रुति, आवी, साक्षी, अंश, पंकज, सर्वज्ञ, शिवांगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, आगे बढ़ेंगे। ओके, और 12 बजे अपना नेक्स्ट ये है, ठीक है, टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अभी 12 बजे, आधे घंटे का ही होगा, वेरी स्वीट एंड शॉर्ट। स्वीट एंड शॉर्ट के अंदर वी विल स्टडी द टॉपिक एंड उसके ऊपर क्विज भी सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी टू वर्क, इसमें से 100% एनर्जी किसको लगती लगती है, मतलब एनर्जी के सिवा काम ही नहीं होता, एनर्जी के सिवा काम ही नहीं होता, इस प्रकार की कौन सी केमिकल रिएक्शन? बहुत ही सिंपल, सुपर डुपर सिंपल, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें 100% एनर्जी लगती लगती है, मतलब एनर्जी के सिवा काम ही नहीं होता। हाँ, तो वो बताना है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब लगता ही लगता है, 100% लगता है। तो 12 बजे का टॉपिक बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पे है, ठीक है, टॉपिक समझाऊंगा मैं पहले, फिर उसके ऊपर हम लोग क्विज करेंगे, ठीक है, एक क्विज करेंगे। ओके, तो आंसर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हर बार एनर्जी लगती है, हर बार, इवन कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट को समटाइम्स दे में रिक्वायर, बट नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। हर बार किसको लगती है? डिकम्पोजिशन को, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो डिवाइड होता है उसके अंदर, राइट, रिएक्टेंट डिवाइड होता है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है उसके अंदर, तुम्हारे को क्या चाहिए, व्हाट यू रिक्वायर इज, आपको कॉम्बिनेशन में क्या मिलना चाहिए, ये रहेगा, राइट, व्हाट यू रिक्वायर इज, यस, आपको हर बार एनर्जी लगती है डिकम्पोजिशन में, करेक्ट। ओके, सो लेट मी शो यू द कंप्लीट लीडर बोर्ड, और फिर हमारा 12 बजे नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा, फाइन। सो लेट मी शो यू द कंप्लीट रिजल्ट्स, और फिर हम लोग आगे के टॉपिक पे 12 बजे मिलने वाले, ठीक है। तो लेट मी शो यू द कंप्लीट रिजल्ट्स। द रिजल्ट इज समथिंग लाइक दिस, आज का रिजल्ट कुछ इस प्रकार है, देख लो भाई, आज का जो रिजल्ट है इट इज समथिंग लाइक दिस। तो इट इज श्रेया फर्स्ट, श्रेया कनकुटे, देन सौम्य, अजय सारमी, देन आवी, अंकन, साक्षी, श्रुति, अंश, पंकज, सर्वज्ञ एंड भानु। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दी स्टूडेंट्स, एंड हम लोग 12 बजे भी इसी तरीके का टॉपिक कवर करेंगे, और फिर बाद में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, हमारा क्विज, फाइन। ओके, सो ये आज का हमारा जो ये है प्लानिंग है, मैंने तुमको बता दिया ऑलरेडी, सो नाउ वी आर गोइंग टू, सपोज लेट अस बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लस कोर्सेस। प्लस कोर्सेस के बारे में आई विल टेल यू, बाकी टाइम टेबल अपना 11 बजे 12 बजे के हिसाब से चलेगा। 12 बजे हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो रिकैप मैंने ऑलरेडी बता दिया, द रिएक्शंस हैव बीन टेकन, रिकैप हमारा मेंटी क्विज में हो चुका है। तो जो चीजें हैं, सपोज देर आर लाइव क्विजेस विच आर बींग गिवन, सपोज लेट अस से फ्रॉम अनअकैडमी, लाइव क्विजेस होते हैं, आपको खाली एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो लर्निंग ऐप, सो दैट आपको जो भी क्विजेस हम लोग ले रहे हैं तो उसका एक्सेस आपको मिल सके, राइट। ओके, ऊपर से वन मोर थिंग, दैट इज जो प्लस कोर्सेस हैं, होमवर्क में आप ध्यान में रखो कि आप कवर कर सकते हैं जो भी आपके रिएक्शंस हैं मैंने अभी दिए हैं, तो आप उस रिएक्शंस को घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में, एंड दैट इज योर होमवर्क, राइट। द होमवर्क फॉर दिस इज द रिएक्शंस व्हिच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, आप उसको पढ़ाई कर सकते हैं। एंड मोरओवर जो प्लस कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से जो दिए जाते हैं, दोज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, वीकली क्विजेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज, और ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। मेरे हिसाब से तो अभी 3 महीने का प्लान आपको अभी ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी 3 महीने आपको प्रिपरेशन के लिए, दैट इज फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, तो आप अगर 3 महीने का भी लेते हैं तो दैट वुड बी सफिशियंट फॉर योर प्रिपरेशन ओवरऑल, मई में आप प्रॉपरली एग्जाम दे सकते हैं, तो आपको काफी एडवांटेजेस मिल जाते हैं। एंड मोर ओवर प्लस के साथ और एक सब्सक्रिप्शन आता है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको अपार्ट फ्रॉम प्लस में जो एडवांटेजेस मिलते हैं, उसके अलावा आपको बाकी के जो ये हैं
फीचर्स हैं वो भी मिल जाते हैं, जैसे कि पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट एंड स्टडी प्लानर। एंड उसके साथ ऑब्वियसली प्लीज डू ज्वाइन प्लस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। तो यू कैन यूज द कोड ASLIFE10, तो जिसकी वजह से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? ASLIFE10 को आपको इस्तेमाल करना है, और जिसकी वजह से आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल जाता है, यू गेट अ 10% डिस्काउंट, ठीक है, ASLIFE10। तो यूज द कोड ASLIFE10 और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है तुरंत। एंड देर आर सो मेनी बैचेस विच आर गोइंग अराउंड, ठीक है, बहुत सारी बैचेस हैं कि जो जिसके साथ आप एडवांटेज ले सकते हैं। वी हैव क्रिएटिव कॉर्नर, जिसके अंदर आपको आर्टिस्ट, एंटरटेनमेंट, अपार्ट फ्रॉम द स्टडी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इवन दो सब्सक्रिप्शन यू कैन टेक, अगर आपको सपोलेट से इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। एंड देर आर लॉट्स ऑफ बैचेस विच आर गोइंग ऑन राइट नाउ। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ, एक लाइक भी देना एंड बेल आइकन को भी दबाना, सो दैट यू विल गेट द ऑल द अपडेट्स। मोरओवर, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी लिख सकते हैं वीडियो के नीचे, सो दैट हमको भी पता चलता है कि आपको कैसे और कैसे चेंजेस चाहिए, कुछ नया चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आपको और क्या दे सकते हैं हम लोग, वी व्हाट वी कैन प्रोवाइड। तो ये बैचेस हैं, तो आप प्लस कोर्सेज में आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। तो दैट इज एडिशनल फीचर विच इज बींग प्रोवाइडेड थ्रू द प्लस कोर्सेज। तो इसके लिए जल्दी से ज्वाइन करो विद द हेल्प ऑफ ASLIFE10 कोड, सो दैट आपको 10% डिस्काउंट मिले और आप इस प्लस कोर्सेज का फायदा उठा सके। फाइन, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं, बाकी हम लोग 12 बजे मिलेंगे फॉर दी अपकमिंग सेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय, 12 बजे मिलेंगे।